हे गाइस, बात कर रहे हैं आयशा सिंह को लेकर। आयशा सिंह की बात करें तो प्रेम कहानी ये शो का टाइटल डिसाइड किया गया था, जहां पर वो नज़र आने वाली थी। कुछ इस तरह से ही बातें सामने आई थी, मतलब शिवम खजूरिया के अपोजिट आयशा सिंह को ही कास्ट किया गया था। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं तो कांची सिंह को वहाँ पर कास्ट किया गया है, मतलब इस तरीके से बातें निकल कर सामने आई हैं, रिप्लेस किया गया है इन मोमेंट पर। तो आयशा सिंह का वो प्रोजेक्ट अब नहीं होने वाला है, लेकिन आयशा सिंह अदर प्रोजेक्ट के थ्रू नज़र आने वाली हैं, इस तरह से बातें सामने आने लगी हैं। अदरवाइज़ आपको आयशा सिंह शिवम खजूरिया के अपोजिट ही देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर इन मोमेंट पर रिप्लेसमेंट होती है और यहाँ पर आपको नई जोड़ी देखने को मिलेगी, दूसरी जोड़ी बेसिकली देखने को मिलेगी। लेकिन बात करें अगर हम आयशा सिंह के बारे में, तो उनके पास कई सारे प्रोजेक्ट के ऑफर गए हुए थे, जहाँ पर वो डिस्कशन में मेकर्स के साथ में थी। तो वो अब फिलहाल अदर प्रोजेक्ट के थ्रू देखने को मिलने वाली हैं। जो भी होगा भाई, इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये बात तय है। जो किसी भी प्रोजेक्ट के थ्रू देखने को मिले, किसी भी एक्टर के अपोजिट देखने को मिले, बस प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग होना चाहिए, स्टोरी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। और आयशा सिंह अगर नज़र आ रही हैं तो उनके फैंस के लिए तो इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। तो कमेंट करके आप लोग भी एक्साइटमेंट बताइएगा, आयशा के न्यू प्रोजेक्ट को लेकर कितना एक्साइटेड है। वैसे बता दें आपको, नागिन सीजन 7 को लेकर भी खबरें बहुत ज़ोरों शोरों से सामने आ रही हैं इस टाइम पर, यानी कि आपको बहुत जल्द नागिन शो का सीजन 7 बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो इस शो का सीजन 7 जब आपको देखने को मिलेगा, तो आयशा सिंह शो का हिस्सा रहने वाली हैं या नहीं, ये तो देखिए वक्त ही बताएगा। हालांकि उनका नाम इस शो के साथ काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ता रहा है, तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि आयशा सिंह को अगर वहाँ पर एकता कपूर कास्ट करती हैं, तो ये देखिए वक्त ही बताता है कि यहाँ पर फाइनली कास्ट होकर कौन नज़र आ रही है। क्योंकि कई बार सरप्राइज़ ही मिले हैं नागिन के जितने भी सीजन अभी तक रहे हैं उनको लेकर। आयशा सिंह के फिलहाल न्यू प्रोजेक्ट की बात करें, तो उनके न्यू प्रोजेक्ट को लेकर खबरें तो लगातार सामने ही आ रही हैं। उनका कई बार कई सारे प्रोजेक्ट के साथ नाम भी जुड़ा है, इन मूवमेंट पर बात भी नहीं बनी है। तो ठीक वैसे ही नाम उनका नागिन सीजन 7 के साथ में जुड़ रहा है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वो किस प्रोजेक्ट के थ्रू नजर आएंगे अपने फैंस के लिए। कमेंट करके आप लोग एक्साइटमेंट बताना। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।